Good morning everyone. Today I will explain you large number chapter number 1 for class 5th. In this chapter, we will learn about the many things first place value, second face value, third Indian system of numeration, fourth international system of numeration and एट डिजिट नंबर एंड नाइन डिजिट नंबर एंड टेन डिजिट नंबर यानी कि इस लार्ज नंबर चैप्टर में जो चैप्टर वन है क्लास फिफ्थ के लिए लार्ज नंबर इन सब चीज़ों में हम लोग ये सारी चीज़ों को सीखेंगे प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है इंडियन सिस्टम ऑफ़ न्यूमिनेशन कैसे फाइंड आउट क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन क्या होता है एट डिजिट नंबर कैसे पता चलते हैं क्या होते हैं ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नाइन डिजिट नंबर और टेन डिजिट नंबर के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बेस में जानेंगे तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू वॉट इज़ नंबर तो आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ नंबर तो नंबर ऑफ़ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिम्बल न्यूमेरल्स दैट रिप्रजेंट क्वान्टिट्टीज़ नंबर जो होते हैं वो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल के एक सेट होते हैं जिसको हम लोग न्यूमेरल्स दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज जो क्वांटिटीज को डिपेंड करते हैं क्वांटिटीज का मतलब सिंपल सी बात है कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं वो एक क्वांटिटी में खरीदते हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरीके से हम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं चाहे कोई भी चीज़ ख़रीदनी होती है हमको तो वो एक क्वांटिटी का एक मैटर करता है वहाँ पे हर एक चीज़ों का चाहे हम कोई भी सामान मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो एक पीस दो पीस तीन पीस यानी कि हर एक चीज़ हम एक क्वान्टिटी में ही ख़रीदते हैं तो जिसको हम लोग एक क्वान्टिट्टी से रिप्रजेंट करते हैं तो वो सारे के सारे क्या हैं नंबर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नंबर्स की डेफिनेशन कि नंबर्स आर सेट ऑफ द स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं न्यूमेरल्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटीज जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे दिखता होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन डीज आर डिजिट्स यानी ये सब सारे डिजिट्स हैं और इनके सामने देख रहे होंगे ये सारे डिजिट्स डिजिट् इन्हीं सारे डिजिट्स से सारे होल यूनिवर्स में सारे नंबर्स बनाए गए हैं तैयार किए गए हैं सारे के सारे नंबर्स इन्हीं नंबर से मिल करके ही बने हैं जैसे अगर हम लोग अगला नाइन के बाद टेन आता है तो वन और जीरो मिल बना है इलेवन अगर आता है तो वन वन मिल बना है ठीक है क्लियर हो गया अब यहाँ पर एक नीचे लाइन देखते होंगे कि मैंने एक चीज़ दिखाई है कि जब हम कोई चीज़ राइट से देखो लेफ्ट जा रहे हैं तो वो टेन टाइम्स हर चीज़ बढ़ती जा रही है जब हम राइट से कहाँ जाएंगे लेफ्ट पे जैसे कि देखो वंस के बाद क्या आता है टेंस तो वंस जो राइट पे है टेंस इसके लेफ्ट पे है फिर टेंथस अगर राइट पर तो हंड्रेड के लेफ्ट पे तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है सिस्टम वैसे वैसे टेन टाइम्स वो अधिक होता जा रहा है जैसे वंस के बाद टेंथ टेंथ के बाद हंड्रेड जीरो इंक्रीजमेंट हंड्रेड के बाद थाउजेंड थाउजेंड के बाद टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है लैक टेन लैक करोड़ टेन करोड़ ऐसे बढ़ते रहते हैं ज़ीरो जीरो यानी कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं अपने सिस्टम में तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं वो इंक्रीमेंट की फॉर्म में बढ़ते रहते हैं मतलब इंक्रीज होते रहते हैं अब हम लोग नेक्स्ट दो डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं और न्यूमेरेशन क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस होता है न्यूमेरल का मतलब होता है अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल यानी कि एक सिंगल डिजिट अगर एक सिंगल डिजिट वन टू थ्री फोर ले लें या ग्रुप ऑफ डिजिट टेन ट्वेंटी ऐसे ले लें तो रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर को उनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरल्स Numeration क्या होता है? का मतलब होता है है का मतलब राइटिंग कि जो नंबर हमारे पास लिखे होते हैं जैसे टू फोर वन हमने दिया तो टू फोर वन का मतलब हो गया कि टू हंड्रेड फोर्टी वन तो जो टू हंड्रेड हमने फोर्टी वन लिखा उनको हम लोग न्यूमरेशन के नाम से जानेंगे क्योंकि उन नंबर्स को हमने किस में लिखा वर्ड में तो उनको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरेशन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वॉट इज़ अ प्लेस वैल्यू और वॉट इज़ अ फेस वैल्यू कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम लोग फेस वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है और फेस वैल्यू का मतलब होता है तो प्लेस वैल्यू का मतलब सबसे पहले आपको बता दें स्टूडेंट्स कि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द प्लेस इन द नंबर मतलब वैल्यू ऑफ अ प्लेस इन द नंबर मतलब जो प्लेस वैल्यू ऑफ अ प्लेस इन द नंबर में मतलब जो वो जो नंबर है वो किस प्लेस पर है जैसे कि हमारे पास इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम है तो जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जो क्लास फोर्थ में भी पढ़े होंगे थर्ड में भी जानते होंगे कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्लेस वैल्यू को बताते हैं प्लेस वैल्यूज़ को बताते हैं अब प्लेस वैल्यूज़ को बताने का मतलब क्या होता है कि लाइक uh, एग्ज़ाम्पल like देख रहे होंगे कि यहाँ आप पर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आता होगा होगा तो वैल्यू ऑफ़ द प्लेस इन द नंबर जैसे हमने टू फाइव सिक्स एक नंबर लिखा है तो सिक्स के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया ओ ओ नहीं जिसको हम लोग बोलते हैं ये वंस और इसके ऊपर टी रिप्रेजेंट किया फाइव के ऊपर इट का कमिंग्स ये टेंस पे और ये टू जो रिप्रेजेंट किया है वो यानी कि वो हंड्रेड प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि वो किस प्लेस पे है लाइक like एग्जाम्पल अगर हम लोग क्लास में भी बैठते हैं तो प्लेसेस हम हमेशा डेली डेली चेंज होती रहती है लेकिन हमारा फेसेस कभी भी चेंज नहीं होता है प्लेस हमारी डिफरेंट हो सकती है आज हम फ्रंट फर्स्ट सीट पर बैठे हैं तो कल लास्ट सीट पर बैठेंगे तो कहीं मेरी प्लेस बदल सकती है बाकी और कुछ चीज़ें नहीं चेंज हो सकती हैं तो उसी तरीके से सिस्टम के अकॉर्डिंग भी जब चलता है तो इसी तरीके से चलता है तो देखिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ़ टू की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है टू हंड्रेड क्योंकि वो हंड्रेड प्लेस पे है और फाइव जो है वो किस प्लेस पे है टें प्लेस पे है तो इसको हम लोग बोलेंगे फिफ्टी और सिक्स जो है वो वंस प्लेस पे इसको बोलेंगे सिक्स इंटू वन यानी कि सिक्स तो इसको बोलते हैं ये प्लेस वैल्यू हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि फेस वैल्यू इज़ अ डिजिट इट यानी कि डिजिट इट्स का मतलब जो डिजिट होती है वही इट उसकी फेस वैल्यू होती है लाइक like एग्जाम्पल हमने यहाँ पर किया है फाइव सिक्स सेवन तो सेवन जो है वनस पोजीशन पे है सिक्स जो है वो टेंस पोजिशन पर और फाइव जो है वो हंड्रेड पोजीशन पे है इसलिए फेस वैल्यू ऑफ फाइव की क्या होगी फाइव सिक्स की फेस वैल्यू क्या होगी सिक्स और सेवन की फेस वैल्यू क्या होगी सेवन इसको बोलते हैं फेस वैल्यू हमारा नेक्स्ट टॉपिक दो है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम लोग सीखेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखेंगे कि इंडियन सिस्टम कैसे करते हैं हम लोग और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हम लोग कैसे करते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन क्या होता है तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन में आता है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैख करोड़ और सो so ऑन मतलब आगे चलता रहता है करोड़ टेन करोड़ हंड्रेड करोड़ इस तरीके से आगे चलता रहता है इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन इंडियन सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन सारी चीज़ें सेम्स होती हैं जैसे वंस होता है इसमें भी उसमें भी वंस होता है टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वहाँ पर जैसे लैक होता है वहाँ लैक नहीं होता है यहाँ पर अलग होता है हंड्रेड थाउजेंड होता है वहाँ टेन लैक होता है तो यहाँ मिलियन होता है वहाँ करोड़ होता है तो यहाँ टेन मिलियन होता है एंड सो ऑन आगे चलता रहता है ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एक चार्ट मैंने रिप्रेजेंट किया है कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है इंडियन न्यूमरल सिस्टम क्या होता है जैसे आप देख रहे होंगे कि पीरियड है यहाँ पर मैंने चार पीरियड बांटे हैं बाटे हैं फर्स्ट पीरियड वंस पीरियड होता है सेकेंड थाउजेंड पीरियड होता है और एक लैक पीरियड होता है और एक करोड़ पीरियड होता है तो वंस पीरियड में तीन आता है वंस टेंस और हंड्रेड थाउजेंड पीरियड में दो आता है थाउजेंड और टेन थाउजेंड लैक पीरियड में भी दो आता है लैक टेन लैक और करोड़ पीरियड में भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ दो यानी कि करोड़ और टेन करोड़ फिर इसके बाद बात आती है कैसे हम लोग कॉमास पुट करते हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि कि वंस टेंस हंड्रेड है तो फिर हम लोग उसके बाद कॉमा पुट करते हैं फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद कॉमा पुट करते हैं फिर लैक के बाद कॉमा पुट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग कॉमा पुट करते हैं इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है इसमें तीन पीरियड होते हैं उसमें जैसे चार पीरियड होते हैं वंस पीरियड हंड्रेड थाउजेंड पीरियड लैक पीरियड और करोड़ पीरियड वैसे इसमें तीन पीरियड होते हैं वंस पीरियड थाउजेंड पीरियड और मिलियंस पीरियड वंस पीरियड में तीन होता है वंस टेंस और हंड्रेड थाउजेंड पीरियड में भी तीन होता है इन लोग में थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड होता है यहाँ पे फिर मिलियंस में मिलियंस टेन मिलियंस और हंड्रेड मिलियंस आता है तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग नंबर्स में कॉमा पुट करते हैं जो कि यहाँ पर चार्ट पे नज़र आ रहा होगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ़ न्यूमिनेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमिनेशन का एग्जाम्पल आपको नजर आता होगा जैसे यहाँ पर हमने एक, एक नंबर लिखा है फोर फाइव सिक्स थ्री टू फाइव टू फोर नीचे भी सेम नंबर वही कॉपी किया है इसमें हमने दोनों को एक ही एग्जाम्पल को लेकर दोनों में बताया कि कैसे हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेशन में कॉमा पुट करेंगे और कैसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ न्यूमरेशन में कॉमा पुट करेंगे तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेशन में हम लोग सबसे पहले हम लोग नंबर्स के ऊपर उसके प्लेसेस को डिस्क्राइब कर देते हैं जैसे फोर जो है वंस पे है टू जो है वो टेंस पे है फाइव जो है वो हंड्रेड पे है टू जो है वो टेन थाउजेंड पे थ्री जो है वो टेन थाउजेंड पे है और सिक्स जो है वो लाख पे है और फाइव जो है वो टेन लाख पे और फोर जो है वो करोड़ पे है तो हमने सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया यानी कि अगर हमको इस नंबर को रीड करना होगा तो इस नंबर को रीड हम ऐसे करेंगे कि फोर करोड़ फिफ्टी सिक्स लाख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर क्योंकि फोर जो है वो करोड़ प्लेस पे है फिफ्टी सिक्स जो है वो लैख के पीरियड में आ रहा है और थर्टी टू जो है वो थाउजेंड पीरियड में है और फाइव ट्वेंटी फोर जो है वो तुम्हारा वंस पीरियड में है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग इसको पढ़ेंगे फाइव फोर करोड़ फिफ्टी सिक्स लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर अब हम लोग कॉमर्स कैसे पुट करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूरेशन में तो वंस टेंस हंड्रेड के बाद कॉमा होता है थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद कॉमा पुट होता है फिर लैक टेन लैख के बाद कॉमा पुट होता है यानी कि पहले पहले राइट से जब हम लेफ़्ट में जाते हैं तो तीन नंबर के बाद फिर दो दो के बाद इस तरीके से हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा पुट करते हैं फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है इसमें हम लोग जब कॉमास पुट करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग फिर से इसकी प्लेस वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि फ़ोर जो वंस पे वंस ही होगा टू टेंस पे और फाइव जो है वो हंड्रेड पे टू जो है वो टेन थाउजेंड पे थाउजेंड पे और थ्री जो है वो टेन थाउजेंड पे सिक्स जो है वो हंड्रेड थाउजेंड पे फाइव जो है वो मिलियन पे और फोर जो है वो टेन मिलियन पे रिप्रेजेंट करेंगे अब जैसे हमारा एग्जाम्पल अब यहां पर हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो फोर्टी है वो मिलियंस पीरियड में आ रहा है और सिक्स थर्टी टू जो है वो थाउजेंड पीरियड में आ रहा है और ये 524 जो है में आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्टी फाइव मिलियन सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फोर और उसमें हम लोग कॉमास कैसे पुट करते हैं तीन तीन के बाद हंड्रेड थाउजेंड के बाद कॉमा

वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है उसी को ही फ़िफ्टी फोर मिलियन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी तो हमने एट एड डिजिटिट लिए हैं तो ये एट एड डिजिट हैं अब इसी तरीके से यही एट डिजिट को लेकर के हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो सिंपल है अब जैसे मान लो को एट डिजिट लेना है तो करोड़ प्लेस पर हम लोग वन लिख देंगे बाकी सब प्लेसेस पे ज़ीरो तो ये बन जाएगा हमारा एट डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर और सारे प्लेसेस पे अगर हम लोग नाइन लिख देंगे तो वो ग्रेटेस्ट एट डिजिट नंबर बन जाएगा जो डाउन साइड में मैंने शो किया है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेसन में जैसे देख रहे होंगे आप सिंपल है बस कॉमर्स को डिफरेंट किया है जैसे यहाँ पर नाइनटी नाइन मिलियन नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ न्यूमेसन में ग्रेटेस्ट इसको पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट में टेन मिलियन बोलेंगे इसी तरीके से स्मॉलेस्ट एट डिजिट नंबर अगर हम लोग इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं तो ये वन करोड़ है ये नाइन करोड़ नाइन्टी नाइन लैक नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन टॉपिक हमारा है नाइन डिजिट नंबर तो जैसे ही नाइन डिजिट नंबर जैसे एट डिजिट नंबर है वैसे नाइन डिजिट नंबर भी है यानी कि अगर हम लोग नाइन डिजिट नंबर लेते हैं तो करोड़ के बाद टेन करोड़ आता है तो टेन करोड़ जो होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा अगर हम लोग ग्रेटेस्ट एट डिजिट में वन प्लस कर देंगे तो वो स्मॉलेस्ट नाइन डिजिट बन जाएगा सिंपल और ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट में तो सारे डिजिट को नाइन लिख देना है तो यानी एक्जाम्पल नाइन्टी नाइन करोड़ नाइन्टी नाइन लैख नाइन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन अब इसी तरीके से इंटरनेशनल में करेंगे तो सिंपल है हंड्रेड मिलियन हो जाएगा ये नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन मिलियन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन लास्ट टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है टेन डिजिट नंबर तो सेम वही प्रोसीजर ग्रेटेस्ट नाइन डिजिट में अगर हम लोग वन प्लस करेंगे तो वो हंड्रेड करोड़ टेन करोड़ के बाद हंड्रेड करोड़ आता है तो वन हंड्रेड करोड़ बनेगा जिसको हम लोग वन अरब के भी नाम से जानते हैं और ग्रेटेस्ट टेन डिजिट बोलेंगे तो सारे में नाइन 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 पुट कर देंगे तो वो ग्रेटेस्ट बन जाएगा उसी तरीके से इंटरनेशनल में करेंगे तो इंटरनेशनल में वन बिलियन पहुँच जाएगा और ग्रेटेस्ट करेंगे तो नाइन बिलियन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन मिलियन नाइन नाइन बिलियन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन मिलियन नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यानी कि सिंपल है यानी कि जब हम लोग ग्रेटेस्ट वन डिजिट की बात करते हैं तो वो नाइन होता है ग्रेटेस्ट टू डिजिट की बात करेंगे तो नाइन्टी नाइन होता है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट की बारे करेंगे तो ट्रिपल नाइन होता है उसी तरीके से जितना हमको ग्रेटेस्ट लिखना है बस नाइन नाइन उतने टाइम्स लिखते जाना है स्मॉलेस्ट में भी सेम है कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट जो होता है वो वन होता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट जो होता है वो टेन होता है इसी तरीके से स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट जो होता है वो हंड्रेड होता है इसी तरीके से जैसे हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे जीरो ज़ीरो जीरो जीरो, जीरो, जीरो इंक्रीज़ करते जाएंगे वो हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये सारी एक लार्ज नंबर में पहले लेक्चर में हमारे पास ये था कि हम लोग ने इस लार्ज नंबर में सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखा में हमने प्लेस वैल्यू फ़ेस वैल्यू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन सीखा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखा एट डिजिट नंबर सीखा नाइन डिजिट नंबर सीखा और टेन डिजिट नंबर सीखा कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे क्या क्या, क्या चीज़ निकलती है थैंक यू